हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट और एक स्विच में कनेक्शन करना बताऊंगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना मैं बोर्ड में कनेक्शन करना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल, 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल और 5 पिन सॉकेट के एल वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करूँगा। देखिए, वायर के एक एंड को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया, दूसरे एंड को 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल। फिर हम 2 पिन सॉकेट से 5 पिन सॉकेट के एयर वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स, अभी हमारा यूट्यूब चैनल पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, मैं दोनों सॉकेट और स्विच को कॉमन बना लिया। अब हम इसमें न्यूट्रल वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल वायरिंग हम ब्लैक कलर की वायर के साथ करेंगे। 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल और 5 पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करूंगा। देखिए, वायर के एक एंड को 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया और दूसरे एंड को 5 पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक ही स्विच से दोनों सॉकेट वर्क करेगा, दोनों सॉकेट ऑन ऑफ होगा। देखिए, सबसे पहले हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल, 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल और 5 पिन सॉकेट के एल वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर दिया, जो हमारी फेज वायरिंग है। और न्यूट्रल वायरिंग हम 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल और 5 पिन सॉकेट के एल वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। हमारे बोर्ड की फेज और न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें मेन फेज की वायर कनेक्ट करेंगे। मेन फेज की वायर हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल और 5 पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में कनेक्ट करूंगा। देखिए, हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में मेन फेज की रेड वायर को कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल वायर को हम 5 पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। जो हमारी मेन फेज की न्यूट्रल वायर है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बोर्ड की कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अब हम इसको सीधा करके पावर देकर ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को सीधा कर लिया और पावर दे दिया। अब हम दोनों सॉकेट को चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है और हमारे बोर्ड की वायरिंग बिल्कुल सही तरीके से हुई है। अब हम दूसरे वाले सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा 2 पिन सॉकेट भी सही से वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूँ दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।